हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जतिन टेक। आज हम आपको बता रहे हैं विंडो 11 की पिन ऐप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें क्रोम ओपन करना है। टाइप करना है फर्स्ट RUFUS और अभी हम आपको इंस्टॉल भी करके दिखाएंगे। क्लिक करके सबसे पहला रिंग नीचे जाना, थोड़ा सा RUFUS 3.2 डाउन कर लेना है आपको। ये हमारा डाउनलोड हो रहा है अभी। डाउनलोड हो चुका है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए डबल क्लिक करके। यस, ये हमारा ओपन हो चुका है। अब आपको एक एम्प्टी पेन टाइप लेनी है जो खाली हो पूरी, जिसको लगा के हम बूटेबल बनाएंगे। और अब हमें पेन टाइप अपनी प्लग करनी है पीसी में। ये हमारी पेन ड्राइव आ चुकी है, मैं आपको चेक करा दूँ। भी नहीं आ रही, एक सेकेंड आ गई। अब पेन ड्राइव फॉर्मेट कर लेंगे। देख सकते हो अभी हमारे हो चुके पेन ड्राइव फॉर्मेट। अगर RUFUS पे जाना है तो फिर दो ऑप्शन है, इसे डाउनलोड करेंगे हम। डाउनलोड्स, डाउनलोड पे क्लिक करना है। अभी डाउनलोड होने लग जाएगा कुछ फाइल्स आपकी, थोड़ा वेट कीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शन आना कौन सी विंडो डाउनलोड करनी है, विंडो 11 पे क्लिक करना है। कंटिन्यू, कंटिन्यू होने के बाद नीचे वर्जन आएगा सबसे ऊपर वाला, कंटिन्यू। और यहाँ पे पूछ रहा कौन सा वर्जन, होम प्रो एजुकेशन, कंटिन्यू। नीचे लैंग्वेज पूछ रहा है, इंग्लिश इंटरनेशनल सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू। एक वेट करना है। तो पूछ रहा है 64 बिट डाउनलोड। अब ये पूछा है कहाँ पे आपको सेव करना है, इसमें हम सेव करेंगे अपना डाउनलोड्स में। ये डाउनलोड में थोड़ा टाइम लगेगा, आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट है। जब अभी थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाता है फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। जब तक अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब किया जतिन टेक की, ऐसी रिलेटिव वीडियो मोड देखने के लिए विंडोज़ और टेक से रिलेटिव देखने के लिए हमारे चैनल पर। और भी बड़ी काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, विंडोज 7, विंडोज 10, काफ़ी सारी वीडियो पड़ी है, वो भी चेकआउट कीजिए जब तक डाउनलोड हो रहा है, जब तक देखिए जैसे। So young, I could never see forever.
जैसे कि आप देख सकते हो ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वो हमारी इमेज सेलेक्ट होगी, पेन ड्राइव हमने फॉर्मेट कर दी। ये आपका स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन, यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो अपने पेन ड्राइव को क्या रखना है आपको। हम डालेंगे अपना Win11, ठीक है। NTFS सब रेडी है, हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट के बाद अभी आपसे मेन चीज़ पूछ रहा है, सबसे पहले रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB रैम सिक्योर बूट एंड TPM 2.0। ये जो TP 2.0 कह रहा है ये बेसिकली उन डिवाइस के लिए जो अनसपोर्टेबल है, और ये कुछ रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑन, ये वो है। एच में क्या है कि जब हम विंडोज चलाते हैं उसको रिमूव करेंगे, छोटी रहने देंगे तो लॉगिन आईडी वगैरह मांगते हैं, तो उसको हटाने के लिए ये वो है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्रिएट लॉक रखा हो अगर डालना है तो डाल सकते हो। ये डिसेबल, आपकी प्राइवेसी वगैरह क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, इसको भी डिसेबल आप कर सकते हो। और यूज़र और समय यहाँ से ओके कर देना है, इन दोनों पर टिक करके ओके। अभी आपसे पूछा पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी डाटा आपका, तो डाटा बैकअप ले लीजिए पेन ड्राइव का कुछ हो ओके। डिलीटिंग पार्टीशन हमारा क्रिएट हो रहा है, अब ये टाइम लगेगा थोड़ा, आपके PC पेन ड्राइव की परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब तक आप देखिए, इसके बाद मिलते हैं कंप्लीट होने के बाद। Forget all the things you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dark. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी विंडोज 11 की पेन ड्राइव बन चुकी है। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ एक बार, जो विंडोज 11 की हमारी जो पेन ड्राइव है बन चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टॉल हो रही है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ से हमें अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है, हमने बनाई थी अभी, रूफ़ से ये अपने पिन ड्राइव का UEFI USB 2.0। एंटर, थोड़ा सा टाइम लेगा बूट होने में। ये हमारी विंडो 11 की पिन ड्राइव बूट हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर क्लीन इंस्टॉलेशन की अपग्रेड करना है, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना नो, हमें करना है क्लीन इंस्टॉलेशन, नो सेलेक्ट किया हमने अभी। अभी आ चुका है हमारे विंडो लेगो का पैनल, यहाँ से हमें नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। अब इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग पे भी चल रहा है, सेटअप स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये लैपटॉप उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ये चीज़ें सारी फास्ट है कि नहीं। अब आप जैसे देख सकते हो हमारे फायदा है, हमें आपसे इसको स्किप कर देंगे, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, बाद में एक्टिवेट से चला के भी इसको एक्टिव कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं विंडोज़ कौन से सेलेक्ट करें, प्रो सेलेक्ट करेंगे वो,
किसी किस्म के होता है आगे वो अटक जाता है, लेकिन ये कंपेटिबल है वो वाली विंडो रूपों से, तो ये आगे बढ़ जाएगा बेसिकली आपका। अब यहाँ पर 64 पे क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट करना है, जस्ट नेक्स्ट करने के बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, ये